निपटाएंगे। साथियों, ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सरकार बनाने का चुनाव है। जितनी मजबूत, ताकतवर, मजबूत केंद्र सरकार होगी, उतना मजबूत दुनिया का भारत पर भरोसा होगा, फिर उतना ही अधिक निवेश यहां आएगा, फैक्ट्रियां लगेगी, विदेशी टूरिस्ट आएंगे। बीजेपी सरकार ने G20 की मीटिंग नॉर्थ बंगाल में इसीलिए रखी थी, मकसद यही था कि ये क्षेत्र इंटरनेशनल टूरिज्म मैच पर पहुंचे। आज केंद्र सरकार यहां चौड़ी सड़कें बना रही है, रेल कनेक्टिविटी बेहतर कर रही है, धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी रोड, एनजेपी स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। ऐसे ही प्रयासों से नई नौकरियां, नए अवसर बनेंगे, हर परिवार का जीवन बेहतर होगा। सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर, सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है। यही तो विकसित भारत का संकल्प है। इतना ही तो विकसित भारतेर संकल्पो, और इस संकल्प के लिए आज हर भारतीय पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा है। यहां जो लोग हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि मैदान छोटा पड़ गया है, मैं जानता हूं आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं, आपका प्यार मुझे मिल रहा है, और ये उत्साह उमंग शायद ऐसी सभा, इतना विराट दृश्य, ये तो बहुत बड़े आशीर्वाद है आपके। साथियों, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है, और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047, ये हम सबका संकल्प है, और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे। साथियों, एनडीए सरकार के 10 वर्ष गरीब एसटी परिवार, माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के रहे हैं। आप याद कीजिए, जिन करोड़ों गरीबों के पास बिजली, पानी, गैस कनेक्शन नहीं था, उसमें बड़ी संख्या में हमारे एससी एसटी परिवार थे,
शौचालय ना होने से हमारे एससी एसटी समाज की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान एससी एसटी परिवारों को उठाना पड़ता था। साथियों, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने हालात बदलने का संकल्प लिया। हमने वंचितों को वरीयता दी। 2014 में बीजेपी सरकार बनी तो हमने एक दलित राष्ट्रपति देश को दिए। 2019 में बीजेपी सरकार बनी तो देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की योजना के अधिकांश लाभार्थी एससी एसटी वर्ग के ही परिवार है। अधिकांश एससी एसटी परिवारों को पहली बार पक्के घर मिले, पहली बार टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन मिले। बीजेपी ने आदिवासी मंत्रालय का बजट कई गुना बढ़ाया। हमने आदिवासी परिवारों को 23 लाख से अधिक पट्टे दिए। हमने 400 से अधिक नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए। साथियों, 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारी सरकार की योजनाओं ने गरीब के जीवन को आसान बनाया है। हमने गरीब का स्वाभिमान लौटाया है, उसका गौरव बढ़ाया है और मोदी ने 10 साल में जो विकास कार्य किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। दस बछोर जा होलो ओटा शुदो ट्रेलर छिलो। अभी हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। हमें गांव की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। हमें नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को ड्रोन पायलट बनाना है। हमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों का बिजली का बिल 0 करना है। साथियों, देश के हर गरीब का सशक्तिकरण बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन गरीब कल्याण की मोदी की योजनाओं पर यहां की टीएमसी सरकार ब्रेक लगा देती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के घर के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए भेजे। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? साथियों, पश्चिम बंगाल की हर बहन के घर पर नल से जल आए, इसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है। लेकिन उत्तर बंगाल में नल से जल पहुंचाने वाली योजना का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा। मोदी ने यहां के लाखों बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। नई पीढ़ी के जो लोग
अपना परिवार बसा रहे हैं उन्हें भी मैं मुफ्त गैस कनेक्शन देना चाहता हूं। लेकिन भ्रष्ट, गरीब और SC ST विरोधी TMC सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के करीब 30,000 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। TMC की गरीब विरोधी सरकार इस योजना को भी बंगाल में लागू ही नहीं होने दे रही है। साथियों, TMC की किसान विरोधी सरकार PM किसान निधि में भी रोड़े अटकाती है।